Good morning everybody. Good morning students. This is Dr. Amresh Patnaik from Amresh Classes. Aji ame prathame janiba bigyana kon tapare navam shrenira bigyana arambha kariba thik achi to bigyana kon bigyana kahile sadharanta pratyek jinishara pungkhanupungkha anusandhan ku bigyan kaha jae bigyana kon se bisare janiba kole mor au goti video dekhibo से केवल ओडिया मीडियम विज्ञान कौन इंग्लीश मीडियम व्हाट इज साइंस एंड इट्स डिफरेंट ब्रांचेस अच्छे देखिपर तो विज्ञान को साधारण दुई भाग में व्यक्त कर गोटे भौतिक विज्ञान आउ जीव विज्ञान ठीक अच्छे भौतिक विज्ञान विषय में पछ पढ़ा वर्तमान जी क्लास नाइन प्रथम चैप्टर जीव विज्ञान अच्छा पिला तुम्हें कभी लक्ष्य कर जी आम परेश जीव मान मध्य सामंजस्य अथवा केविधता देखा केवे तुम्हें लक्ष्य कर आम परेशीव मान मध्य जो जीव मान अच्छा परेशमस्य अथवा विविधता रही लक्ष्य कर प्रत्येक जीव से प्राणी हो कि उद्भिद गोटे अंठार निश्चित अलग ही थाए अच्छा तुम्हें जो दिज बस तुम्हें आम सांग दिज बस वर्तमान चिंता कर तुम दुहर उच्चता समान कि तुम दुहर नाकर गठन समान कि तुम हाथ पापुलीर आकार तुम सांगर हाथ पापुलीर आकार समान कि तीनोटी जिनस तुम्हें कथा तुम्हें चिंता कर तुम मनरे निश्चय आकांक्षा बढ़ी बस जे प्रकृत आमर ये जिते जीव अच्छा सेमानक मध्यरे निश्चित भावरे विविधता और सामंजस्य अच्छी ये जो विविधता कौन बर्तमान आम आम को और आमर सांग को जदि गोटे माकड़ सहित तुलना करवा तेरे आम मनरे कौन प्रश्न आसो तुलना कले गोटे मनीष और माकड़ मध्य गठन किसी सामंजस्य और किसी पार्थक्य अच्छी कि तुम्हें रही तुम्हें जापार तो मनीष और माकड़ दिजन तुम देख पार्थक्य कौन अच्छी सामंजस्य कौन अच्छी तुम्हें जापर जदि ठीक से भाई आम मनुष्य मनुष्य भितर सामान्यता मनुष्य 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 माकड़ मध्य सामंजस्य तुलन में निश्चित अधिक रणस आ गोटे मनीष जमी गोटे मनीष आ गोटे मनीष आम मध्य सामंजस्य जिते अधिक रणस और माकड़ मध्य सामंजस्य निश्चय अधिक रणस मनीष मध्य जेहेतु माकड़ गोटे प्राणी और मनीष गोटे एक प्रकार प्राणी माकड़ गोटे अन्य प्रकार प्राणी किंतु समस्त होती प्राणी मनीष प्राणी माकड़ मध्य प्राणी से जदि गोटे गाई को गोटे गाई को यही तुलना जो प्रक्रिया आम चली आम जोड़ीदे तेब कौन मिल गाई आकड़ आनीष यही तीन जन बर्तमान पड़े आमर तुलनात्मक अभेद भितर यही तुलना भितर प्रथम थे मनीष आकड़ मध्य गोटे गाई पड़े तो मनीष और माकड़ सामंजस्य जहाँ किसी मिशुला गाई सहित संपूर्ण भिन्न हो गल किंतु जदि गोटे गोठ अच्छी बहुत बड़ गोठरे बहुत देशी गाई अच्छे से देशी गाई सहित गोटे जर्सी गाई मिश्रण हो जाए तुम्हें ता जापर कि जर्सी गाई देशी गाई टे जर्सी गाई टे पड़ी देखा जाए कि देशी गाई जीभली जर्सी गाई से भाई देखा जाती समस्त गाई एका भाई देखा जाती कि ये जिनस तुम मन निश्चय उठ जो गोटे देशी गाई और जर्सी गाई एका भाई देखा ना समस्त गाई एका भाई देखा कि ना आम देशी गाई गोट भितर जर्सी गाई टी चिन्ह पार कि चिन्हटपाई आमर कि आधार व मापकाठी आम व्यवहार करवा यह सब हूँ कौन ना आम विभिन्न क्राइटेरिया लक्षण जहाँफल आम गोटे जाति अगर गोटे जाति को अलग बोली भाईपर आध्य सामंजस्य अच्छी पार्थक्य अच्छी कौन अच्छी कि विविधता अच्छी से विषय मध्य आम जापर केतक विशेष लक्षण व क्यारेक्टर द्वारा ही आम देशी और जर्सी गाई को आम चिन्हपर आम जाने ये हूँ देशी गाई यार यही गुण सब अच्छे ये हूँ जर्सी गाई देखापी आठ बड़ मोटा तगड़ा उचा बहुत क्षीर दिए तार रंग अलग यह विभिन्न गुण व क्यारेक्टर जब आम देखा लक्षण आम चिन्ह तेज जापर जे देशी गाई
आउ जर्सी गाय मध्य पार्थक्यटा कौन हुए पृथ्वीपृष्ठ असंख्य जीव मान अनुध्यान कले जना जे गोटे बैक्टेरिया आकार बहुत छोट जीव अच्छे बैक्टेरिया भूताणु जीवाणु ये सब जानते से गुड़क हूँ बहुत छोट जीव हेल्ले आम खाली आखि को देखा जाते ना कि खाली आखि को देखा जा नर्घ्य प्रस्त को आम गोटे एकक मपा जाए से एकक को कौन कह जाए ना आम माइक्रोमीटर बोली कही था आमर मपा अनुसार वन माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर एक माइक्रोमीटर के 10 रो घात माइनस 6 मीटर एभली जदि आम बड़ बड़ जिनस देखा आम जानचे सब बड़ प्राणी किए ना आमर तिमी नील तिमी जानते आम सब बड़ प्राणी तार लंब हूँ 30 मीटर रु आहरी अधिक जदि आम जा कैलिफोर्निया सहर कैलिफोर्नियन रेडवुड गछ को देखा से रेडवुड गछर उच्चता हूँ 100 मीटर रु अधिक 105 मीटर 110 मीटर एम था जदि तार मोटे को देखा 21 मीटर मोटा बहुत मोटा था जदि तार लाइफ स्पान देखा बयस देखा यह हूँ 3000 वर्ष रु अधिक से गच गुड़िक बची था तेज आम से जिन मापक आम कौन देखा ना जदि आम तार तिमी माछ एवं तिमी एवं आमर कैलिफोर्नियन रेडवुड को मापिबा तेबे तार आकार 30 मीटर 100 मीटर ये भली कह किंतु आमर कोलकाता रा बॉटनिकल गार्डन रे जो अशोकत गछ बटवृक्षटी अच्छी से बटवृक्षटी प्राय 200 वर्ष रु अधिक थिबार अनुमान कराउछ से भली सेमानकर भितर जो अच्छी ताकर आयुष अनुजाई सेमानको विभिन्न कैटेगरी कराइ आउ कोन कराइ आउ जो देखिबा विभिन्न सागवान गछ होची मुख्यतः 100 रु 150 वर्ष से बची पारुछ जीव मान जीवन काल में तारतम्य थी से शरीर रंगर विभिन्नता मध्य अनन्य कहुए पिला माने तुम्हें जाणी थिबो तिमी होची सर्वबृहत प्राणी जहार दर्घ्य प्राय 30 मीटर रु अधिक होइथाय रेडवुड गछ जोड़ा कि कैलिफोर्नियन रो देखा जाए एवं यहार दर्घ्य प्राय 100 मीटर बा ताठु चतुर्थ होइथाय यह एक बृहत काय गछ सागवान बा टी गछ प्राय 100 रु 150 वर्ष बंची रहुथवा बेले कोलकाता बॉटनिकल गार्डन रे थिबा बटवृक्ष प्राय 200 वर्ष रु अधिक समय बंची रहिथिबार प्रमाण रहिछि कइंच प्राय 200 वर्ष पर्यंत बंची रहिथांती जेपरी सुआर रंग सबुज हेला बेले मयूर पुछर रंग बेस आकर्षणीय होइथाय बाघ शरीर थिबा पटा पटा दाग अन्य पटांतर नथाय पुणी केउ फुल गछरे फुलर रंग लाल तो कहार हलदिया अथवा धला किंबा बैगणी होई रंग बेरंगर प्रजापतिंक सहित फुल बगीचाटी मध्य बेले बेले एक इंद्रधनुर विस्म सृष्टि करिथाय जेपरिकि सुआर रंग सबुज हेला बेले मयूर पुछर रंग बेस आकर्षणीय होइथाय जदि आम बाघ को देखा बाघर शरीर थिबा कला लंबा पटापटा दाग से भले विभिन्न रंगर आमर लाल कहार हलदिया अथवा धला बैगणी विभिन्न रंगर आमर प्रजापति गुड़िक देखा बेले बेले यह हूँ इंद्रधनुर विस्म सृष्टि करता इंद्रधनु जो थे कि बाघ निश हनाला अच्छी से विभिन्न रंग सतोटी रंगर मिश्रण आम प्रकृतिर प्रत्येक जीव शरीर देखा मिले भिन्न भिन्न प्रकार जीव से रंग भितर ही आमको मिले था तेणु प्राकृतिक परिवेश रे ए विभिन्नता हूँ सुस्पष्ट अतएव जेकोसी प्राकृतिक परिवेश रे प्राकृतिर अन्यनिक विभिन्नता को नहीं भिन्न प्रजातिर जीव मानकर एकत्र सहवस्था को जीव विविधता जैव विविधता बा कौन कह जाए जीव जगतर विविधता बोली कह जाए विविधता विषय में पढ़ा जेकोसी प्राकृतिक परिवेश रे प्रकृतिर अनन्य विभिन्नता को नहीं विभिन्न प्रकार जीव मानकर एकत्र सहवस्थान को जीव विविधता जैव विविधता बा जीव जगतर विविधता बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड बोली कहा जाए ओके पृथ्वीर प्रत्येक प्राकृतिक परिवेश जमीक जंगल पहाड़ पर्वत नदी ह्रद समुद्र मरुभूमि
ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ବିବିଧତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଆମକୁ। କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି ଏହି ସବୁଠାରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜୀବଙ୍କର ଉପଯୋଜନ ଏକାଭଳିଆ କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ପରିବେଶରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଦେଖାଉଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନତା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକାଠି ନେଇ ବିଚାର କଲେ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଯେ କେତେ ବ୍ୟାପକ ତାହା ଆମେ ସହଜରେ ଅନୁମୟ ହୋଇପାରିବ ବା ଜାଣିପାରିବା। କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ତେବେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କରେ ତାରତମ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଏକାଠି ନେଇ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତେବେ ତାର ବିବିଧତା କେତେ ଯେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଆମେ ଅନୁମୟ କରିପାରିବା, ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଇଛି ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନର ପରିଣତି। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ। ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେହି ଜୀବମାନେ ଅନେକ ଜାତିର ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଜାତିଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଥିବାର ଆମେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ସେଥିରୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଉ ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜୀବକୁ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଏହି ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କରିବା ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୁଏ। ଯଦି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ତାର ଜୀବ, ତାର ଜୈବ ବିବିଧତା, ତାର ଜୀବକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇକୋଲୋଜି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟାକି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇକୋଲୋଜି ଓକେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଗବେଷଣା ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଜୀବମାନଙ୍କର ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିନା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ ଯଦି ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନେବା ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଗବେଷଣା କରିବା ପରିଚାଳନା କରିବା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିନା ଇଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଅତଏବ ଆସ ସେଇ ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି।